हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नवीन दहिया यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड ईयर के डिस्टेंस के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये अभी एग्ज़ाम हुए थे अप्रैल 2019 में, आप देख भी सकते हो अप्रैल 2019 एग्जामिनेशन, और ये इंक्लूडिंग एडिशनल एग्ज़ाम भी थे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं एडिशनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एडिशनल भी इसमें इंक्लूडेड क्वेश्चन पेपर हैं, और डिस्टेंस के तो ये हैं ही, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, अप्रैल में ये एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। ओके, और ये जो एग्ज़ाम होता है मैक्सिमम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और 3 आवर्स इसमें टाइमिंग होती है। ऑल क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये होता है आपका 15 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7.5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं। ये होता है फर्स्ट, जो होता है आपका स्टेंजा या फिर पैसेज इसमें गिवन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा एंड पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ आपको 3 स्टेंजा दिए होंगे और उसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने होंगे, जो कि होंगे 7.5 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 15 मार्क का क्वेश्चन होगा ये आपका। तो ये स्टेंजा आप देख लेना, कौन सी बुक से, कौन से चैप्टर से ये आया हुआ है वो आप देख लेना। ठीक है, ये सेकंड स्टेंजा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज सेकंड, एंड ये है आपका 3rd स्टेंजा। इसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने होंगे, 3 गिवन है आपको, तो आपको जो भी अच्छे से आते हैं उनमें से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस के इसमें आंसर देने हैं, 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, 8 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो होंगे 3 मार्क्स के, टोटल 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चंस आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपके हो गए 8 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है आपके, आपका 3rd क्वेश्चन, जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे 2 क्वेश्चंस, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट है इसी का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें 10 मार्क्स की 2 क्वेश्चन होंगे, दिस एंड दिस, ये भी आपके 10 मार्क्स के हैं, तो दोनों में से 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन गिवन करने हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। ओके, उसके बाद है आपका 4th क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 2.5 आपका 1 क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे, और आपको देने हैं 4 क्वेश्चंस के आंसर, 10 मार्क्स टोटल आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो 6 क्वेश्चन आपके गिवन हैं और आपको सिर्फ 4 के आंसर देने हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5th, आपको एनी 20 सेंटेंस गिवन होंगे, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे, तो आपको ओनली 20 के आंसर देने हैं, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और 20 आपको आंसर देने हैं, तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चंस देख लीजिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसमें। ये जिस भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है उन्होंने आंसर दिए हुए हैं, आप आंसर सही मत लगा के चलेगा कि सारे आंसर ठीक हैं, जिस भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, आप अपने आंसर अपने अकॉर्डिंग देना। ठीक है, ये हैं आपके क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हो दिस क्वेश्चन। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी में। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ये पैसेज होगा जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। ओके, ये स्टेंजा आपको गिवन है, तो ये स्टेंजा है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6th में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th में आपको किसी एक के आंसर, एक
क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, जो कि होगा आपका 10 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, वो होगा 100 मार्क्स का, क्योंकि ये डिस्टेंस के हैं, एक बार ही आपके एग्ज़ाम होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये MDU का है, जो MDU यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है डिस्टेंस के एग्ज़ाम, तो ये डिस्टेंस के हैं, BA के फर्स्ट सेकेंड ईयर का, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे आपका पैटर्न आता है क्वेश्चन पेपर का, और कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक उठाए जाते हैं। तो लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर देखिएगा और ये वाला भी क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं आपके लिए और भी वीडियो लाती रहूँगी जिसमें होंगे आपके डिस्टेंस के और क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर आप और भी क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डिमांड पर अदर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।